हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आपके केमिस्ट्री का टीचर, आप सबका मेंटर। आई होप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने जितनी अभी तक पढ़ी है वो आप सबको क्लियर है। अपने साथ के साथ न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन भी कर रहे हैं, एक साथ एक्सरसाइज कराऊंगा, डोंट वरी। बट जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं उसके क्वेश्चन लगाते जाओ, और कोई भी डाउट आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उस पर टेलीग्राम पे डाउट्स आप डाल सकते हो। किसी को पता नहीं है तो बता दूँ, केमिस्ट्री मंत्रा विद अभिषेक मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो वहाँ पर डाउट एंटरटेन करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, अगर आप नीट या जेई के एस्पिरेंट हैं आपके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट से याद आया कि एक कोर्स है जो कि क्लास 24 पे है, प्रहार 2024। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, इसकी प्राइस है 8,000 रुपये, और एक इंक्वायरी नंबर भी दे रखा है, आप इस इंक्वायरी नंबर पे बात करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। इसके बाद अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है अपना कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहला, इस चीज को पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स है जो आपके सिलेबस में भी है और जो आपको आनी भी चाहिए। पहली, जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो कप्पा अपन पढ़ के आ चुके हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है सर, 1/ρ, रो होता है आर इंटू ए अपॉन एल, ये पिछली क्लास में अपन लोगों ने पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, किसी सोल्यूशन के अंदर, किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो वॉट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का अगर अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो वो डेफिनेशन ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, दी कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी की बात करता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं उसको, उस कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल तो मोलर कंडक्टिविटी। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान रखने की बात है, जब भी अपन मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों, जैसे दो, मैंने क्या लिया, दो रॉड्स ली थी, दो रॉड्स के बीच में एल डिस्टेंस मानी थी, बिल्कुल सर मानी थी। तो मान लो एक रॉड ये है इस तरीके से, ठीक है, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। जैसे ये जो रॉड, एक रॉड ये मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक रॉड ये मान लेते हैं। तो जब भी मोलर कंडक्टिविटी अपन कैलकुलेट करते हैं बच्चा पार्टी, तो करते क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसको L मानते हैं, वो क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, यूनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। और जो एरिया लेते हैं इसका, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन रॉड्स का लेते हैं ना बच्चों, ये एरिया क्या रहता है, बहुत लार्ज रहता है। क्या रहता है, इट इज़ वेरी लार्ज, इन्फाइनाइट को टेंट करता है। तो दिस एरिया इज वेरी लार्ज, एरिया क्या होता है इनका, एरिया क्या होता है बच्चों, दोनों इलेक्ट्रोड्स का बहुत लार्ज होता है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में ही, इस 1 सेंटीमीटर में क्या आ जाए, अपना पूरा सोल्यूशन आ जाए जिसकी मुझे कंडक्टिविटी मेजर करनी है। तो पहली बात तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, दी कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन। एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट कंडक्टिविटी, वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप दी रॉड्स एट अ यूनिटी सेपरेशन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी रॉड शुड बी वेरी लार्ज इन ऑर्डर टू मेजर दी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए अपन को ये कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है, क्लियर है बच्चों। इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि अपने सिलेबस में, तो मोलर कंडक्टिविटी को बोलते क्या है, लैम्डा एम। क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा एम। कई बुक्स में आपको ये लैम्डा इस तरीके से भी दिखता है, लैम्डा एम, बिल्कुल सर, ये भी लैम्डा, बिल्कुल दोनों लैम्डा है। इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिकली जब भी अपन आयन की मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आयन्स की, तो अपन जनरली क्या लगते हैं, इस वाला लैम्डा को यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बना रखा है बच्चों, ठीक है। जैसे अपन कैपिटल लेटर से किसी भी अगर मैं किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करता हूं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करता हूं, उसी तरीके से अपन लोगों ने केमिस्ट्री में भी कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। क्या, कि अगर मैं आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी की बात करूंगा सर तो मैं ये वाला लैम्डा यूज करूंगा, और अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की बात करूंगा, क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, इस वाले लैम्डा की बात करूंगा, बिल्कुल। अब मेन क्या बात है, इसका वैल्यू जो होती है वो होती है कप्पा या के इंटू 1000/m। क्या होता है, के इंटू 1000/m। ये m क्या है, मेरी मोलैरिटी, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी, और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। यहां लिख देते हैं, तो ये मेरा क्या है, बेसिक डेफिनेशन है किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले की, ये है मेरा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो अपन कर लेते हैं वो ये है, ये जो कप्पा है बच्चा, ये क्या है, मोलर, ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी,
ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये है मोलैरिटी, ये क्या है बच्चों, मोलैरिटी, मोलैरिटी बोले या कॉन्सेंट्रेशन बोले एक ही बात है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर, क्या होती है, मोल्स पर लीटर। ठीक है, बिल्कुल, थाउजेंड तो है ही एक फैक्टर, और इसे लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू क्यों बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये है, उसको निकालने का ये एक तरीका बताया मैंने आपको, और उसको निकालने के बाद जो वैल्यू आपके सिलेबस में है वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एम। ये एम क्या है, मोलैरिटी या कंडक्टिविटी, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट बताई थी मैंने, वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में रेगुलर शेयर कर ही रहा हूँ पीडीएफ उसकी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। भैया मोलर कंडक्टिविटी हमने पढ़ लिया है, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट, क्या वहां वन मोल था, यहां वन ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूंगा, बस इतनी सा अंतर है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, द कंडक्टिविटी ऑफ वन ग्राम इक्विवेलेंट, वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन। इसमें भी मेजर करने के लिए वही क्या करते हैं, यही पैरामीटर्स को यूज करते हैं कि लेंथ इसकी भी वन सेंटीमीटर रखते हैं, एरिया काफी लार्ज रखते हैं, और क्या मेजर करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मेजर करते हैं। अब इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की फॉर्मूले की बात करूं, तो आई कैन से कि लैम्डा ई क्यू बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा ई क्यू, या और इसको ऐसे तरीके से भी, उसी तरीके से लैम्डा ई क्यू बोलते हैं, इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, वहां क्या था, कप्पा इंटू थाउजेंड, तो एज इट इज लिख दो कप्पा इंटू थाउजेंड, और वहां क्या था, मोलैरिटी था, यहां पर क्या लेंगे, जब यहां पर अगर ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, क्या वन ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो यह क्या लेंगे बच्चा फट, यहां लेंगे नॉर्मैलिटी एन, क्या लेंगे, नॉर्मैलिटी एन लेंगे, किसकी बात करेंगे, नॉर्मैलिटी की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट कर लो। अभी बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं यहां पर, एन क्या है, ध्यान में रखने वाली बात एक्स्ट्रा यही, ये एन क्या होता है मेरा, नॉर्मैलिटी कैपिटल एन, ठीक है, ये नॉर्मैलिटी। कोई भी डाउट, बिल्कुल इजी सी बात है। बाकी ये क्या है, ये मेरी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और कप्पा हुई कंडक्टिविटी, डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें अपन को समझ में आनी चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं रिलेशनशिप फाइंड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, रिलेशन बिटवीन, क्या कर रहा हूं, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं निकाल के दिखाओ, तो देखो कितना ईजी है, कैसे निकालेंगे। मैंने अभी बताया आपको कि सर लैम्डा ई क्यू क्या होता है, कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एन होता है या नहीं होता, बिल्कुल सर। एन क्या है, नॉर्मैलिटी, एक चीज बताओ, और लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सर कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन एम बताया था या नहीं बताया था, अभी बताया था, एन नॉर्मैलिटी, एम मोलैरिटी। सर आप नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन बता दो, मैं आपको फाइंड आउट करके दे दूंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई क्यू एंड लैम्डा एम। बिल्कुल लाओ, आपको आपने पूछा और हमने बता दिया कि द रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो नॉर्मैलिटी बच्चा क्या होती है, सर नॉर्मैलिटी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल एन फैक्टर, बस यही चीज याद रखनी है। इसको पुट कर दो, इस नॉर्मैलिटी की वैल्यू को यहां रख दो, तो क्या लैम्डा ई क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन मोलैरिटी इंटू एन एफ एन फैक्टर, बिल्कुल सर कह सकते हो। और ये जो टर्म है ये देखो, अरे मजा आ गया सर, ये क्या है, ये क्या है, लैम्डा एम ही तो है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ऐसे कह सकता हूं लैम्डा ई क्यू, क्या कह सकता हूं, लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन एफ एन फैक्टर। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, तो ये है रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कई बार न्यूमेरिकल में आपको डेटा देता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का, और पूछता है मोलर कंडक्टिविटी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस इस फॉर्मूले का काम वहां पर आएगा।
ठीक है। अब मैंने एन फैक्टर आपको बताया था जब फैराडे लॉ पढ़ाया था, क्या बताया था सर ने एन फैक्टर आपको, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका लेना देना हो, तो इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस में तो सर एन फैक्टर निकालना ईजी होता है, बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है मेरा, मान लो NaCl है, तो सर NaCl अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है तो मैं एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर MgCl2 है तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा, H2SO4 है तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं हाउ टू कैलकुलेट एन फैक्टर इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां लिख लो टॉपिक एन फैक्टर NF या एन फैक्टर पूरा लिख लो, क्या लिख सकते हैं एन फैक्टर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहले समझाऊंगा फिर समझ में आएगा आपके, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। देखो समझाते कैसे हैं, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अगर टूटेगा, इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो कैटायनिक पार्ट Na प्लस आएगा और एनायनिक पार्ट Cl माइनस आएगा, यानी आएगा बिल्कुल। तो कितने एनायन हो या कैटायन हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहां लेना देना है सर, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन का ही तो लेना देना हो रहा है, या तो लेना हो रहा है या देना हो रहा है। तो इधर NF कितना होगा, 1, कितना होगा NF 1। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल बताओ लो। अगर मैं आपको लूँ MgCl2, तो MgCl2 को अगर अपन इस इलेक्ट्रोलाइट को का डिसोसिएशन होगा तो क्या आता है बच्चों, सर Mg2 प्लस आता है प्लस Cl माइनस आता है ना। और मोस्टली बच्चे ये करते हैं, और यहाँ जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज आप ये गलती मत करना, ये गलत है। क्या गलत है सर इसमें, अरे ये है 2Cl माइनस, ये इस तरीके से उठेगा, बैलेंस भी तो करोगे। हाँ अब इस केस में देखो, इस केस में MgCl2 किस में ब्रेक डाउन हुआ, Mg+2 और 2Cl माइनस में, तो या तो दो इलेक्ट्रॉन, टू यहाँ पर क्या है, टू इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ टू इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, मतलब कुल मिला के सर शॉर्टेज मान लो या वो मान लो कि कितना एक्स्ट्रा है, तो दोनों केस में दो इलेक्ट्रॉन का ही तो इन्वॉल्वमेंट है। तो इस केस में अगर मैं एन फैक्टर की बात करूँ तो कितना होगा, दो होगा, कितना होगा, दो होगा, होगा या नहीं होगा चेक कर लो। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में किस तरीके से निकाल रहे हैं देख पा रहे हो आप, हाँ सर बिल्कुल देख पा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो आप, आपको अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो आपने उसको डिसोसिएट किया और आपने चेक किया कि एनायन पे टोटल चार्ज कितना है या कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है, तो एनायन पे जो टोटल चार्ज है वही तो मेरा एन फैक्टर है, या कैटायन पे जो टोटल चार्ज है वही मेरा क्या एन फैक्टर है। तो एक IUPAC या कई बुक्स में स्टैंडर्ड क्या ले रखा है कि आप क्या करो, ये डिसोसिएट मत करो, आप बस सिंपली एक काम करो, क्या काम करो कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है उस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन का चार्ज निकाल लो, कोई भी एक आप चाहो तो एनायन में बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहां सीएल माइनस करके वो गलती कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं सीएल माइनस नहीं है इसमें, 2Cl- है, इसलिए इस कंसेप्ट को गलत ना करें बच्चे। तो क्या कर रखा है बुक्स ने या IUPAC ने कह रखा है कि आप ये कर सकते हो कि टोटल कैटायन का चार्ज निकाल लो, क्या कर लो, टोटल कैटायन का चार्ज निकाल लो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप बात करूं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर मैं AlCl3 पे कैटायनिक पार्ट क्या है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है बच्चा पार्टी Al+3, तो इसका एन फैक्टर कितना है बच्चा 3, इसका एन फैक्टर कितना है 3। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द पॉजिटिव कैटायन पे चार्ज, यू हैव टू कैलकुलेट कैटायनिक चार्ज, एंड दैट कैटायनिक चार्ज इज योर एन फैक्टर। बट मैं स्टिल कह रहा हूं कि इट इज जस्ट अ वे टू लर्न, या ट्रिक है, बट समझ में आएगा तो बहुत इजीली कर लोगे। जैसे अगर मैं यही समझाना चाहूं AlCl3, तो AlCl3 Al+3 तो है ही, प्लस 3Cl- भी तो है इसमें बिल्कुल, तो या तो अगर अपन एनायन को पकड़ोगे तो भी -3 चार्ज है सर इसमें, इसलिए एन फैक्टर 3 आया है। बट बच्चे जनरली गलती क्या कर देते हैं, AlCl3 में ऐसे करते हैं Al+3 है Cl- है बिल्कुल, बट बैलेंस भी तो करो, जब ये डिसोसिएट होगा तो 3Cl- देगा, ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करने लिए क्या किया, कैटायन का चार्ज है, ये क्या है कैटायन, कैटायनिक चार्ज को क्या कह दिया अपन ने, टोटल एन फैक्टर के बराबर कह दिया। इस तरीके से ये चीज आई कि ये कंफ्यूजन होने लग होए ना, बच्चे गलती ना करें, इसलिए क्या कर दिया भाई, कैटायन इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन का चार्ज निकालो, और वो जो कैटायन का चार्ज है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका एन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट किसी बच्चे को तो बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे कम कनेक्ट हो रहे हैं हमसे अभी, मतलब मैं मेरे वीडियोस देख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी कम बच्चे देख रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि आई नो प्रीवियस ईयर, और इतने जब भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, और एक एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों से अभी शेयर करना चाहता हूँ, कि ये जो मैं इस बार ये जो मैं फॉर्मेट लाया हूँ पढ़ाने का, कि टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, प्लेलिस्ट पूरी तैयार करके दूंगा, क्योंकि दो तरीके के बच्चे, एक है सिर्फ मार्क्स लाना है, एक कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे जो अपने अभिषेक भैया से ये चीज़ चाहते हैं कि नहीं आप सर अच्छे से पढ़ाओ,
क्योंकि हमें उसके न्यूमेरिकल करें, हम अगर नीट में जा रहे हैं, जेई में जा रहे हैं, किसी भी टीचर और से पढ़ रहे हैं, तो हमें वो बेसिक आप अच्छा दो। तो मैं मेरा यही मतलब फंडा है कि यार व्यूज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी व्यूज या लाइक, मैं इसलिए कंटिन्यूएशन में पहले पूरा सिलेबस कराना चाहता हूँ, उसके बाद फिर वन शॉट सीरीज और जो शॉर्टकट्स और फिर फॉर्मूले वीडियो वो सब तो आएंगे ही आएंगे, बट ये इट इज़ द बेस ऑफ ऑल थिंग्स। मैं फिर बताऊंगा जब मैं सेशन के एंड में जब वो वन शॉट वीडियो लाऊंगा और जब पेपर अपन डिस्कस करेंगे, तो वही बच्चे जीत में रहेंगे जो शुरू से कनेक्टेड है, जो शुरू से ही वीडियोस देख रहे हैं और जो शुरू से अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना रहे हैं। ऑनेस्टली दिसंबर तक पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तुम्हारी। क्या हो रहा है यार, MTTS आ रहे हैं वीडियो, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, तीनों दिन एक ही मैक्सिमम एक एक घंटे 50-50 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, उसको देख डालो, उसको रिवाइज कर डालो, टॉपिक खत्म, क्या टेंशन लेना। ठीक है, तो ये एक बात थी जो करनी थी। ये हो गया एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करते हैं इसको समझने की। ये क्वेश्चन है, मान लो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.04 एम सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी आपको दे रखी है, ऑफ MgCl2, ठीक है, इज मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, टेम्परेचर भी दे रखा है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, अ सेल विथ इलेक्ट्रोड दैट आर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया, एरिया ऑफ सेल दे दिया, अच्छा, एंड लेंथ इज 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये सेल है आपका, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इसका एरिया जो दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है आपको दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, यही तो दे रखा है, बिल्कुल। आपको क्या कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है, कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा, क्या निकालना है बच्चा पार्टी, सर कप्पा निकालना है। अब देखो, सॉरी कप्पा तो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होता है जी, कंडक्टेंस होता है जी, याद करो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जी निकालना है अपन को, जी मैंने बताया था वो क्या होता है 1/r, याद करो, बिल्कुल सर याद आ गया, ये होता है 1/r। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, रेजिस्टेंस या अपन को बेसिकली क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/m मोलैरिटी, होता है या नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है सर, मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है, सर गिवन है, क्या कप्पा निकाल सकते हैं इधर से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, आओ निकालते हैं, कैसे निकालें देखो, सर कप्पा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है 200 इंटू मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 0.04 अपॉन 1000, है या नहीं है, देखो चेक करो कोई भी डाउट हो तो, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, इस तरीके से निकाल लोगे, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 10 यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, लगा दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 4 2 8, 8 × 10^-3 आ जाएगा, कितना जाएगा 8 × 10^-3, ये क्या आ गई मेरी कप्पा की वैल्यू हो गई, क्या आ गई कप्पा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गई कप्पा। कप्पा क्या होती है, कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी पूछिए, नहीं सर कंडक्टिविटी नहीं पूछिए, कंडक्टेंस पूछिए। अब देखो मैं कोई चीज बताओ, कंडक्टिविटी जो होती है कप्पा वो क्या होती है, 1/रेजिस्टिविटी होती है, नहीं होती है, बिल्कुल सर 1/रेजिस्टिविटी होती है, और रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकता हूँ, R into A/L, R into R/L होती है या नहीं होती, R into A/L, कैसे सर, अरे यार यहाँ देखो R = क्या होता है ρL/A, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी R into A/L, सिंपल सी बात यहाँ डाल दिया, ठीक है सर। अब देखो रेजिस्टेंस 1/रेजिस्टेंस क्या होती है, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कह सकता हूँ जी into L/A, हाँ सर कह सकते हो, पूछा क्या है जी, जी क्या हो जाएगा कप्पा into A/L हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू अपन ने निकाली अभी कितनी हुई थी 8 × 10^-3 थी, एरिया कितना दे रखा था 2 और लेंथ हाफ, तो हाफ लिख दो, कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, ये 2 पर जाएगा, 2 × 2 = 4, 8 × 4 = 32, तो 32 × 10^-3, ठीक है, 1/रेजिस्टेंस होता है ओम इनवर्स, खत्म बात, ये आ गया कंडक्टेंस। कुछ भी याद करना पड़ा नहीं, देखो किस तरीके से मूव किया, सबसे पहले मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा क्या है कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस निकालने का तरीका मेरे को पता है, कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो मुझे रेजिस्टेंस निकाल दो अगर आप, तो क्या निकाल दूंगा कंडक्टेंस, दे रखा क्या है आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, उससे मैं कंडक्टिविटी निकाली, कंडक्टिविटी निकालते ही मेरे को पता है कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वो मैंने फॉर्मूला यहाँ यूज किया, और इसको यूज करते करते रेजिस्टिविटी की जगह R into A/L लिखा, लिख दिया सर 1/r, ये जो 1/r है इसको जी, 1/r को क्या लिख दिया कंडक्टेंस जी, जी into L/A, जी पूछा है कप्पा भी निकाल चुके, एल और ए आपको दे रखा है, देखो पहले ये पढ़ा था, एल भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पे लिखा तो जी इज इक्वल टू कप्पा इंटू ए अपॉन एल, कप्पा की जगह जो वैल्यू आपने निकाली, ए की जगह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह हाफ या 0.5 जो भी रखना चाहो, इसको कैलकुलेट किया तो कंडक्टेंस आ गया। बिल्कुल बेसिक से मूव करना है, सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये, सोचो। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, एनसीईआरटी है और ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल्स पर लीटर। बिल्कुल, तो यहां बिल्कुल लिखते चलो, मोलैरिटी गिवन है अपन को, मोलैरिटी कितनी है 0.05 मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। ओके सर, पहली बात, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल्स पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, अरे वाह डायमीटर दे दिया इस जगह 1 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखी है आपको कितनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इज रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5.55 × 10³ ohms, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5.55 × 10³ ohms, चेक करो भाई रेजिस्टेंस दे रखा है। बिल्कुल ओके सर, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, तो पूछा सबसे पहले क्या है रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, अरे रेजिस्टिविटी रो होती है, कंडक्टिविटी कप्पा होती है अभी बताया था, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, तीन चीजें पूछी है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो अगर ये समझ में आएगा तो बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मेरे को पता है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है, होता है या नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर मुझे कंडक्टिव रेजिस्टिविटी पूछी है तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, रा बाय एल, बिल्कुल कोई भी दिक्कत। ए केस से निकालेंगे सर, जो कॉलम दे रखा है तो कॉलम का जो क्यों क्या मान सकते हो, एक कॉलम है, कॉलम किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो अगर इसको मैं कॉलम को इस तरीके से देखूं, इसका क्रॉस सेक्शन क्या, एक सर्कुलर एरिया ही तो होगा क्रॉस सेक्शनल, तो इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको क्या मैं पाई इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, हाँ सर लिख सकते हो। अब मुझे एरिया निकालना आ गया, कैसे निकालेंगे देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर भाई आर रेडियस नहीं दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, चेक करो यही दे रखा है ना, हाँ सर 1 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी कितनी 50 सेंटीमीटर। ओके तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो पाई इंटू रेडियस हाफ का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू पाई बाई 4, ये हो जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया आ जाएगा, हाँ सर एरिया आ गया, लेंथ आपको पता ही है गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ सर 50 सेंटीमीटर है, तो रो की वैल्यू क्या आई है, रेजिस्टेंस 5.55 × 10³ गिवन इंटू रा आर इंटू ए पाई बाय 4 बाय एल 50, सॉल्व कर लीजिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, पाई की जगह 3.14 रख देना, ठीक है तो इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टिविटी की, ये जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, कप्पा निकालना है, कप्पा क्या होगा 1/रेजिस्टिविटी, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा कप्पा आ जाएगा, क्लियर है, अरे 87.135 आएगा ये 87.135 ओम, कर लेना कैलकुलेट, पाई को 3.14 रखें, ठीक है ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और ये 1/87.135 ये हो जाएगा कप्पा, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा कंडक्टिविटी, कप्पा पता चल गया, बिल्कुल सर। अब देखो मुझे पूछा क्या लैम्डा एम, लैम्डा एम की वैल्यू क्या होगी, कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा अभी निकाल चुके, मोलैरिटी कितनी गिवन है, देखो सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.05 गिवन है, रख दो कप्पा निकाल दिया, कप्पा मान लो ये वैल्यू आई x, x इंटू 1000/मोलैरिटी 0.05, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा करेंगे कई क्वेश्चन के मैं आपको होमवर्क भी साथ के साथ देता रहूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और किस तरीके से उसको निकाला जाता है, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी और उसके क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज डाउट जरूर रेज कीजिएगा। ये था अपना बेसिक, जहां से अपन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पॉइंट क्या है बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट क्या है, अब मैं क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दीज कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की बात कर ली मैंने, अब मैं क्या करूंगा डाइल्यूशन करूंगा, और डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, एक बहुत बार बोर्ड्स में भी पूछा गया है सवाल, बोर्ड्स में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे पूछ लेते हैं। तो कैसे करना है, कैसे समझाना है, बहुत ध्यान से देखना। देखो अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं ना ऑन डाइल्यूशन, तो मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब वॉल्यूम क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, या ऐसे कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूं, एक ही बात है या नहीं है। अगर मैं मान लो
मेरा चीनी है, एक चम्मच चीनी में उसका डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो मीठा कम होगा या वो ज़्यादा होगा? कम होगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। या कहूँ तो डाइल्यूशन अगर अपन कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गई, आयंस फिक्स है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सोचो, खुद सोचना। अगर कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आयंस अगर दो आयन है, पहले दो आयन है, दो आयंस है और एक लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब आपने क्या कर दिया, इस 1 लीटर को 2 लीटर कर दिया। क्या कर दिया? 2 लीटर कर दिया। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट लीटर कितने हो जाएंगे? 2/2, 1 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए सर? कम हो गए। अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो कम आयंस मूव कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। सो देयरफॉर कंडक्टिविटी कप्पा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखना। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? अरे पहले दो आयन थे 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो कितने आयन पर लीटर थे? 2। अब डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, मान लेते हैं वॉल्यूम 2 लीटर कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा के क्या कर दिया? कंसंट्रेशन कम कर दी, तो नंबर ऑफ आयन क्या हो गए? 2/2, 1 हो गए। तो पहले नंबर ऑफ आयन 2 थे, अब क्या हो गए? कम हो गए। अगर आयन कम हो गए, पहले दो आयन क्या कर रहे थे? कंडक्टिविटी कर रहे थे, अब 1 कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल। बट अभी अपन पढ़ के आ चुके हैं लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू 1000/मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूँ, इफ आई एम डिक्रीजिंग दी कॉन्सेंट्रेशन, तो लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। बहुत ध्यान से समझना है, आराम आराम से। मोलर कंडक्टिविटी तो सर इंक्रीज होगी, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए तो मैथ्स को मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्या कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/ कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ये इन्वर्स रिलेशन है, तो ये बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और वही कंडक्टिविटी होती है, तो वो क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? कोई भी डाउट? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो एक रिलेशन बनाया गया, क्या? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में एक रिलेशन बनाया गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन या वेरिएशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन? तो मोलर कंडक्टिविटी को लिखा गया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये एक इक्वेशन थी जो बताती है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ क्या है अभी समझते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये जो लैम्डा एम है, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ये भी मोलर कंडक्टिविटी, बट कब? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपकी? टेंड्स टू जीरो। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है, या कह सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन, देखो मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो की तरफ टर्न कर रही है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। अरे कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो होती जा रही, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता जा रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल। तो इस वक्त की जो मोलर कंडक्टिविटी है, जब कॉन्सेंट्रेशन मेरी जीरो की तरफ जा रही है, वॉल्यूम इन्फिनिटी की तरफ, उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? ये लैम्डा एम नॉट डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, इस लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या है? ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट वॉल्यूम, ऐसे कह सकते हैं। ए क्या है? एक क्या है? कॉन्स्टेंट है। ए इज अ कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट नेचर। ए क्या है मेरा? ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और ये क्या करता है? इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। सी कॉन्सेंट्रेशन है, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ए कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन रूट सी के बीच में। क्या किया मैंने, ग्राफ ड्रॉ किया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, यहां पर क्या लिया मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया रूट सी ले लिया, क्या ले लिया कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ध्यान से देखना, यहां ले लिया मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, और यहां क्या ले लिया रूट सी कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। देखना ग्राफ, तो मैंने देखा दो तरीके के ग्राफ मुझे दिखे, एक तो इस तरीके का ग्राफ दिखा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है मुझे, इस तरीके ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो वीक, ये तो क्या है, ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक और ग्राफ बनाता हूं, ब्लैक पेन से बना के दिखाता हूं आपको, ये जो ग्राफ है अगला, ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, अगला ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ है, ये ब्लैक वाला ग्राफ क्या है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताऊं आपको, KCl, जैसे KCl ले लो, मोस्टली KCl होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन ले ले एसिटिक एसिड ले लो CH3COH। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ब्लैक वाला, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। तो मैंने जब स्टडी किया तो ये मेरे को मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी के बीच में ग्राफ मिला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इस पूरे कर्व को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये, एनसीईआरटी में भी गिवन है आपका, नीट के लिए भी, जेई सीबीएसई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कर्व को स्टडी करता हूं मैं, देखना बहुत ध्यान से देखना, या तो अपन ये जीरो से इधर इस तरफ मूव करो या यू मूव करो, कैसे आप चाहो। अब बहुत ध्यान से अगर मैं मान लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अगर मान लो इस तरफ मूव कर रहा हूं जीरो से इस तरफ, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं या नहीं बढ़ा रहा हूं। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, अभी बताया था उल्टा, जब डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम बढ़ता है, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। अब मैंने क्या किया, मैंने सर क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, रूट सी बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो लैम्डा एम की वैल्यू है, लैम्डा एम कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल। एंड ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। तो या और इसको, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी कह सकता हूं, अरे अगर कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बिल्कुल। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो लैम्डा एम कम हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक करो, बिल्कुल ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। कोई भी डाउट है किसी को भी कोई डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखना, जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को जीरो की तरफ टेंड कर रहा हूं इस पॉइंट पर, तब वॉल्यूम क्या है मेरा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को यहां लेके खींच के ले जाऊं तो ग्राफ में यहां पे रूट सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, या वॉल्यूम टेंड्स टू इन्फिनिटी, या कह सकता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूशन पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हाट आई एम सीइंग इज, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं तो एट सी टेंड्स टू जीरो और वी टेंड्स टू इन्फिनिटी, या इसको बोलते हैं क्या इनफाइनाइट लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हैं इसको। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मैं कह सकता हूं, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं, लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, ये इक्वेशन बताई थी मैंने, ये अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये मेरा टर्म, देखना ये मेरा जीरो होगा तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो उस केस में मेरा जो लैम्डा एम होगा ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा एम नॉट, हाँ सर। तो इसका मतलब सर ये जो वैल्यू है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, लैम्डा एम नॉट है या नहीं है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl द ग्राफ कट्स एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई, लिमिटिंग LMC, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कुछ भी नहीं किया यार, सी को जीरो रखा है बस, बहुत ध्यान से देखना, सी को अगर जीरो रख दिया तो लैम्डा एम नॉट की जगह आ जाएगा, इसका मतलब ये जो पॉइंट है लैम्डा एम नॉट है या नहीं है, बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लें, क्या ले वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या हो रहा है अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन जीरो की तरफ ले जा रहे हो तो क्या ये ग्राफ कट कर रहा है कहीं, नहीं सर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो
यू जाता जा रहा है, कहीं कट नहीं कर रहा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूं कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल ही नहीं पा रहा हूं कि कैसे मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालूं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है बच्चा पार्टी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? 100% ये डिसोसिएट करता है। अगर 100% डिसोसिएट कर देता है तो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कुछ बचता ही नहीं है, तो क्या होता है अपन को वैल्यू मिल जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कुछ ना कुछ आयंस तो रह जाते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी आई कैन नॉट कैलकुलेट दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब सर कैसे निकालेंगे, तो हाउ विल गो, हाउ, ये क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग। तो सर अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करूं सर? तो आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये लिख लो, वी कैन नॉट कैलकुलेट बाय कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एट इंफाइनाइट डाइल्यूशन। प्रॉब्लम समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ग्राफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन कर्व, ये लिख लो, बाय एक्स्ट्रापोलेशन कर्व, एक्स्ट्रापोलेशन कर्व की हेल्प से मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल नहीं पा रहा हूं। तो अब ये प्रॉब्लम दूर किसने की? इन भाई साहब ने, किन्होंने? कोलराज भाई साहब ने। इसलिए अपन कोलराज लॉ पढ़ता है। अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कितना, लगभग 30-35 मिनट बाद। ये हर एक लाइन बाय लाइन चीज एनसीईआरटी में आपके, कि कोलराज लॉ अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे एक्स्ट्रापोलेशन कर्व की हेल्प से। अपन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती वो पढ़ना जरूरी थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है वो पढ़ना जरूरी थी, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम वो पढ़ना जरूरी था, वो सब पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कोलराज लॉ। तो कोलराज लॉ ने कैसे अपनी हेल्प की टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। तो कोलराज भाई साहब ने ये कहा था, दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या कहा था इन भाई साहब ने, लिखो, दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोला, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। ये होती है मेरी कोलराज लॉ। एक और लाइन जोड़ लो, इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइंग विद देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये एक रेड पेन से अलग लाइन क्यों लिखी, अभी समझाता हूं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इज इक्वल टू द सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। अब सर ये समझ में नहीं आया, अरे कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, अब इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। मान लें एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है मेरा। इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा, ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या, किस तरीके से डिसोसिएट होगा चेक करना, X into A+ इस तरीके से होगा या नहीं होगा, सॉरी X into AY+ AXBY है ना, तो X into AY+ ओके, हाँ Y+ इस तरीके से आएगा ना, ये Y पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, X नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, प्लस Y into BX- इस तरीके से डिसोसिएट होगा या नहीं होगा चेक करो। अरे यार बहुत इजी है, देखो चेक करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ CaCl2, तो CaCl2 का इधर Ca का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो क्या इसको लिख सकता हूँ 1 into Ca, जो Cl का नीचे लिखा है उसको 2+ यहाँ लिख दिया, प्लस Cl into जो CA के नीचे लिखा है वो उधर लिख दिया -1, ऐसे तो करते हैं यार, चेक करो। और यहाँ क्या लिखेंगे 2, क्यों, क्योंकि ये Y है, याद आया,
ये टू, तो सी ए सी एल टू क्या लिखोगे, सी ए प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस, उसी को यूज करते हुए मैंने ए एक्स बी वाई को इलेक्ट्रोलाइट को ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया। ये क्या है मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, इसको लिखो, ये क्या है मेरा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब कोलराज लॉ ने क्या कहा, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट वेदर इट इज स्ट्रांग और वीक, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट का मुझे मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है ए एक्स बी वाई की, तो अगर मैं लिख रहा हूं लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई अकॉर्डिंग टू कोलराज लॉ, ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू एक्स इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ ए वाई माइनस ए वाई प्लस प्लस वाई इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ बी एक्स माइनस, बस ये कह रहा है, ये क्या कोलराज लॉ कहता है, क्लियर है। क्या कहता है कोलराज लॉ, कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इस पूरे की, ये है इन दोनों के रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का सम के बराबर, बट आप इसकी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, मत भूलना, चेक करो। तो ये क्लियर है, ये क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, ये लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, कैटायन वाला पार्ट, और ये क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये दोनों, ये क्या है, ये मेरे क्या है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो उसके बगल में लिखे रहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये है मेरा कोलराज लॉ, क्या कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन बट मल्टीप्लाइंग विद देयर रिस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल क्लियर है। अभी और समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ये पूछेंगे स्टेट कोलराज लॉ, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करना, ये पेज और ये पेज पूरा लिख के आना, कोई कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपके मार्क्स काट लेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझना बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ एम जी सी एल टू फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा। पहला मैं बोल रहा हूँ एम जी सी एल टू, इसके लिए कोलराज लॉ अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो एम जी सी एल टू जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा, देखना एम जी प्लस टू, एम जी टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल बस यही तो है, ए एक्स बी वाई को मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है सर। अब अगर मुझे लिखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एम जी सी एल टू, तो वो क्या होगा सर, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन दैट इज एम जी प्लस टू, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक क्वेश्चन तो वन है तो वन, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन सी एल माइनस, बट सी एल माइनस का स्टाइक्योमेट्रिक क्वेश्चन क्या है टू, तो टू से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ये मेरा क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी होता है एल, ये मोलर कंडक्टिविटी है एम नॉट, एम नॉट, क्लियर है, ये है मोलर कंडक्टिविटी, इसको नोट करो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, आ गया, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा कोलराज लॉ में, इट इज इक्वल टू सम ये, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो आप ले लो सी एस थ्री सी ओ एच ले लो, या फिर ए एल सी एल थ्री ले लो, ए एल सी एल थ्री, तो ए एल सी एल थ्री जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा, देखना ए एल प्लस थ्री एल्यूमिनियम प्लस थ्री प्लस थ्री सी एल माइनस होगा या नहीं होगा, हाँ होगा सर। इस केस में अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी लिखूंगा लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एल सी एल थ्री, वो किसके बराबर होगा सर, लैम्डा एम नॉट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है तो इधर वन लिख दो या ना लिखो तो भी चलेगा, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल माइनस, इस केस में सर इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट थ्री है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इस तरीके से मैंने कोलराज लॉ की मदद से मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकाल के दिखा दी, ये गिवन होती है आयंस की और इस तरीके से अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर नोट करना, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लैम्डा ई क्यू नॉट, अगर मैं आपसे पूछूं, यही पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लैम्डा ई क्यू नॉट ऑफ एम जी सी एल टू, तो सर वो कैसे निकालेंगे, या तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, और अगर मेरे को इस अगर सिर्फ इस फैक्टर से लिखना है,
ये या तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख लो, बट अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो किस तरीके से लिखना है बहुत ध्यान से देखना। या तो ये निकाल लो, और अपन को रिलेशन पता है लैम्डा ई क्यू नॉट और लैम्डा एम नॉट क्या होता है, लैम्डा ई क्यू नॉट इक्वल टू लैम्डा एम नॉट अपॉन एन फैक्टर, उससे निकाल के अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। बट वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे लिखना है विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जब भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, लैम्डा ई क्यू प्लस लैम्डा ई क्यू, कैटायन वाला पार्ट लिख दो एम जी प्लस टू और एनायन वाला पार्ट लिख दो सी एल माइनस। इसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसमें ऐसे लिख लो, इसमें स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, किसमें, जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहा हूं। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं ना, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, कैटायन पार्ट प्लस एनायन पार्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जोड़ दूंगा, इसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये स्टार करके लिखना चाहो तो लिख लो। एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन ज्यादा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे नहीं है, ये सिर्फ नीट और जेई वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या लिख सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, इंडिविजुअल सम होता है, बट स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो दिस इज कोलराज लॉ, कोई भी डाउट है तो बताओ, ये कोलराज लॉ है, कोई भी डाउट है? ये ax by से कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? ये देखो MgCl2, यहां x, अगर ये x क्या है यहां 1 और y क्या है यहां 2, इसकी वजह से ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, x into x क्या लिखा था मैंने, x into a, x into a plus लिखा था, तो x into mg plus 2, mg plus 2 plus y into मतलब 2 into cl minus 1, इस तरीके से लिखा, इसलिए मैंने ax by माना, ठीक है। अगर मैं थ्योरिटिकल क्वेश्चन अप्रोच करूंगा तो ये सब चीजें लिखूंगा और उसका एक एग्जांपल इस तरीके से, और कोई भी एक एग्जांपल जरूर देना, या तो MgCl2 का दे दो या AlCl3 का दे दो, इस तरीके से मैं लिखूंगा कोलराज लॉ की हेल्प से। अब सर इसको यूज कैसे करेंगे एग्जाम में, या क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, फाइंड लैम्डा एम नॉट ऑफ BaCl2 एंड लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ BaCl2, ठीक है। लैम्डा एम नॉट किसका निकालना है, BaCl2 का भी निकालना है और BaCl2 का निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू नॉट भी निकालना है। आपको वैल्यू इक्यू नॉट के रिस्पेक्ट में दे रखी है, देखो बहुत ध्यान से देखना, हाँ सर दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था BaCl2 जो होता है, आप कैसे इसको डिसोसिएट करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, इसको ऐसे कह सकते हो बी ए प्लस टू प्लस 2 Cl माइनस, हाँ सर ऐसे कह सकते हो। अब इसका अगर मैं लैम्डा एम नॉट लिखूंगा BaCl2 का, जरूर लिखना, वैसे इसका काम आएगा नहीं बट लिखना जरूर, जिससे 1 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Ba प्लस 2 प्लस 2 इंटू लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, ऐसे जरूर लिखना बिल्कुल। बट ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब क्या दे रखा है आपको, ये इक्यू नॉट दे रखा है, इक्यू नॉट, तो कैसे करेंगे देखना। लैम्डा इक्यू नॉट अगर मैं आपसे पूछूं BaCl2 का, अभी बताया था उसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो क्या लिख सकता हूं, इस कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ Ba प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्यू नॉट ऑफ Cl माइनस, बस इसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई ना करिएगा। अब ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, ये कितनी गिवन है 63.5 और ये कितनी गिवन है 76, ये 76 है, ये सी वन, ये यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है ना, तो 76 प्लस 63.5 कर दो, 63.5 प्लस 76.0 करना कितना आ रहा है, 5 6 और 3 9 और 7 और 7 14 और 1 13 139.5 सीमन, ये आ गई वैल्यू, इसकी यूनिट है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस ग्राम इक्विवेलेंट माइनस, ये आ गया लैम्डा इक्यू नॉट। अरे लैम्डा इक्यू नॉट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा चेक करो, हाँ सर आ जाएगा, लैम्डा इक्यू नॉट निकाल लिया, पूछा क्या है लैम्डा एम नॉट भी पूछा है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लैम्डा इक्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा एम नॉट अपॉन एन एफ, एन फैक्टर होता है या नहीं होता, बिल्कुल। तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, लैम्डा इक्यू नॉट इंटू एन फैक्टर, इस पूरे क्वेश्चन में BaCl2 चल रहा है तो Ba पे कितना चार्ज है 2 प्लस, तो n फैक्टर कितना हो गया, nf की वैल्यू कितनी होगी 2 रख दो, तो लैम्डा इक्यू नॉट कितना आया था अपना 139.5 इंटू 2 कर लो कैलकुलेट कितना आ जाएगा 279 आ जाएगा शायद 279 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट गलत मत करना क्योंकि अगर यहां एम नॉट पूछा है तो मोल इनवर्स आएगा, तो ये मेरा लैम्डा एम नॉट आ गया, एम नॉट भी निकाल लिया और इक्यू नॉट भी निकाल लिया। अब समझ में आया क्यों मैंने ये दोनों चीज बताई थी,
कि सर विथ रिस्पेक्ट टू अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखनी है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है तो अपन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में एन फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, ये लैम्डा एम नॉट NaCl का दे रखा है, लैम्डा एम नॉट HCl का भी दे रखा है और NaAC का भी दे रखा है, पूछा किसका है, HAC का। अब ये बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे। देखो मेरा तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सोल्यूशन लिखना। सबसे पहले जो जो गिवन है उसको तोड़ के लिख दो, क्या, अरे लैम्डा एम नॉट NaCl, NaCl को कैसे लिखोगे बताओ, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl माइनस, बिल्कुल सर सिंपल सी बात है, हाँ ठीक है। अब देखो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl लिख दिया अपन ने, हाँ सर लिख दिया, दूसरा किसका लिखा है HCl, तो HCl का लिखोगे तो कैसे लिखोगे देखना, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl है ना, तो Cl माइनस, ठीक है सर, ये वैल्यूज गिवन है सारी आपको। तीसरा क्या दे रखा है, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC दे रखा है आपको, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ देखना, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ देखना AC माइनस, लिख लिया, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई भी डाउट है। अब पूछा क्या है, ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी देखना, लैम्डा HAC का पूछा है तो उसमें H प्लस है और AC माइनस है, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ AC माइनस, मतलब ये निकालने, इन दोनों का सम निकालना और ये तीन इक्वेशन दे रखी है। अब सोचो तीन इक्वेशन और दो ही वेरिएबल, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखो, अगर मैं H प्लस और AC माइनस चाहिए, मुझे दो चीज़ का एडिशन चाहिए, तो H प्लस का चाहिए और AC माइनस का चाहिए, कहाँ कहाँ मिलेगा, H प्लस कहाँ मिल रहा है, ढूंढो 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 रहे साजना, तो ये रहा H प्लस, वेरी गुड, एक H प्लस मिल गया सर। AC माइनस ढूंढो कहाँ मिल गया, अरे सर वाह ये भी मिल गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ, ये 1 मान लूँ, ये 2 मान लूँ और ये 3 मान लूँ, देखना अगर 1 और 2 और 3 को मैं जोड़ दूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर मैं क्या कर रहा हूँ 2 प्लस 3 कर दूँ इक्वेशन को, 2 को और 3 को जोड़ दूँ, तो H प्लस और AC माइनस तो मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा दहेज में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अरे सर ये और ये, और दहेज नहीं चाहिए अपन को, तो क्या करेंगे, ये Na और Cl को अगर इसको मैं माइनस कर दूँ, अरे इन दोनों को ऐड करोगे तो H प्लस AC माइनस दोनों आ रहा है, Na प्लस और Cl माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, वो नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ H प्लस और AC माइनस चाहिए, तो Na प्लस और Cl माइनस कहाँ से माइनस कर दो, इक्वेशन वन में से, तो इस इक्वेशन वन में से माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। अरे टू और देखो टू और थ्री को जोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा देखना, H प्लस भी मिलेगा एक, Cl माइनस भी मिलेगा, टू में तो ये मिल गया और थ्री में मिल गया Na प्लस मिल गया और AC माइनस मिल गया, ठीक है सर, दोनों को जोड़ा तो सर जो चाहिए वो तो मिल गया, बट एक्स्ट्रा क्या मिल गया, Na प्लस और Cl माइनस मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो क्या करो, वन में क्या एक्स्ट्रा है, हाँ सर उसको घटा दो, अगर इनमें से इसको घटा दोगे तो ये दोनों वैल्यू हट जाएगी और H प्लस और AC माइनस की वैल्यू आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इफ आई एड दी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 एंड 3 दैट इज HCl एंड NaAC एंड सब्ट्रैक्ट इट बाय इक्वेशन 1 देन आई विल गेट द आंसर, सिंपल सा सॉल्यूशन, खत्म। तो कर लो, तो 2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 की वैल्यू कितनी है, 425.9, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC निकालना है अगर मुझे, तो क्या आएगा वो, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ AC माइनस, तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ देखना, चेक करना, इसको कर रहा हूँ लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस NaAC माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, सिंपल सी बात है, पूरा ध्यान से समझ में आना चाहिए, जो जो चाहिए उसको जोड़ दिया, एक्स्ट्रा आया उसको घटा दिया, खत्म। तो इन दोनों की वैल्यूज कितनी है, 425.9 और 91, ये कितना है 425.9, हाँ, और ये कितना है 91, और इसको घटा दिया किसमें से, इसको इसमें से क्या घटा दिया, 126.4, ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, कितना आ गया चेक कर लो, अरे 9 और 2 11 5 और 1 6 पॉइंट माइनस 126.4 कितना आ गया था, कितना 0.2 और 0 और 11 में से 2 गए तो 9 5 490.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, चेक कर लो, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। बढ़िया लगा क्वेश्चन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ठीक है, थोड़ा मजाक वजाक करते रहते हैं साइड में कि बोरिंग ना लगे चीज़ें, मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अपन को, दहेज वहेज नहीं चाहिए, इस तरीके से मजाक किया तो इसको जोड़ा और उसको घटा दिया, इस तरीके से करो। ठीक है, अरे कोई डाउट चेक करो, एक मिनट, 5 11, हाँ एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक है इसमें शायद, एक बार देखना। अरे यार 9 1 जोड़ना है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 9 6 11 और 5, 516 आ रहा है यार बच्चों, ठीक है, माई मिस्टेक, 516.6 -126.9.4, तो बस 100 कम कर दो, पहले कितना आया था, 490.5 आया था, अब आएगा 390.5, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बस सिंपल सी बात है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, मज़ा आ रहा है? तो दिस इज द वे किस तरीके से अपन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, कोलराश लॉ ने ये अपनी हेल्प करी, ये एग्जाम में आता है, मोस्टली बोर्ड्स में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, इसको समझ में नहीं आया तो स्टार करके और वापस पूछ लेना अगली क्लास, कमेंट कर देना अगर समझ में ना आए तो, ऑनेस्टली कमेंट करना कि सर समझ में नहीं आया प्लीज रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा, उसका शॉर्ट बना के दे दूंगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, अगला अगला अपन पढ़ेंगे अब कोलराश लॉ की एप्लीकेशन, कोलराश लॉ ने अपन को यूज को पढ़ते क्या है समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इस्तेमाल करने का मतलब को निकालने का काम आता है, लैम्डा एम नॉट निकालने का काम होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिस्पेक्टिव आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइंग विद देयर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट इन केस ऑफ इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी वी विल नॉट मल्टीप्लाई बाय स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ये बात नोट कर लेना। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पहला ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का काम आता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जिसे बोलते हैं अपन अल्फा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट सी ओ, इस तरीके से याद कर लो, ये होता है मेरा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सी लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर, अरे यार, एट कॉन्सेंट्रेशन सी, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सी पे मोलर कंडक्टिविटी याद कर रहा हूँ, ये क्या है एट कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, और ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या है, एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालने का, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा एप्लीकेशन है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालते हैं इसकी हेल्प से, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बोले तो के ए कैसे निकालेंगे, तो के ए का फॉर्मूला होता है क्या, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, बस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अगर आप क्या निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो, यहाँ अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और सी क्या है मेरा कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको ये दो दे दूंगा तो आप क्या निकालोगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ये क्या है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। क्लियर है? ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने भी काम आता है, और वो जनरली पूछते हैं आईआईटी के क्वेश्चन में या नीट के क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी पूछा जाए आपसे, या आपको सॉल्युबिलिटी पूछा जाए, तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/S, ये सॉल्युबिलिटी होती है, ये क्या होती है सॉल्युबिलिटी, कप्पा इंटू 1000/S, या एस क्या है सॉल्युबिलिटी, ये स्टार करके लिख लो, एक्स्ट्रा बात है बट कोर्स में अपने ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे मैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में ये सिलेबस में, ये नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं मोस्टली, बेसिक से अगर आप ये सब चीजें भी पढ़ना चाहते हो ना बच्चों मेरे से, तो ये मेरा एक चैनल है सीबीएसई क्लस्टर करके, है ना, सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर, क्लास 11th की बिल्कुल फाउंडेशन बैच चालू है, डेली सेशन आता है 7 बजे, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस आती है, और कुछ ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है जो आपकी हेल्प करेगा लाइफ में ग्रो करने के लिए, वो मैं बाकी दिन देता हूँ, तो अगर आप बिल्कुल ऐसे जैसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ये सब मैं इस अपने चैनल पर कराएंगे, तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस चैनल प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि कब कब वीडियोज आ रहे हैं सर के, तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाह रहे हो तो सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हाँ अब ये आ गया मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके, और ये आ गया मेरा क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो ये जैसे मान लो आपको दे रखा है 0.01 मोलर दे रखा है एसिटिक एसिड, और उसका कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और फाइंड अल्फा एंड
के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब इसमें देखो फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है। अगर मोलैरिटी गिवन है, कप्पा गिवन है, लैम्डा एम नॉट गिवन है, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, अरे होती है नहीं होती है, लैम्डा एम सी नहीं पता, ये नहीं पता मुझे, ये तो गिवन है। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी की बात करूँ, वो क्या होगी, वो होगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंडक्टिविटी। बिल्कुल सर, कप्पा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.9 इंटू 10^-5 इंटू 1000 को क्या 10^3 लिख दूँ, लिख दो सर, अपॉन कंसंट्रेशन सी कितना गिवन है, 0.01 मोलर, 0.01 को ये दो जीरो यहाँ जोड़ दो सर इधर, तो 10^5 हो जाएगा ये, और ये कट्टम कुट्टी हो जाएगा, तो लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.9 आ जाएगी। ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम नॉट आपको गिवन है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 3.9 अपॉन 390 कितना आ जाएगा, 1/100 या 0.01, ये आ गया अल्फा, क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। अल्फा आ गया 0.01 या 10^-2, कई बच्चे ऐसे भी बोलेंगे, इसको 10^-2 भी लिख सकते हो, और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, लैम्डा एम सी कैसे निकालना है, लैम्डा एम नॉट गिवन है। अब अगला पार्ट क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू क्या होती है, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर होती है ना, या सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा होती है, नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन सी कितना गिवन है, 0.01 10^-2, अल्फा की वैल्यू 10^ क्या आई थी, 2 आई थी ना, हाँ सर आई थी, 10^-2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 10^-2। ये बहुत देखो 10^-2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज वेरी स्मॉल, तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको 1 ले लो, डिनोमिनेटर को 1 ले सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 10^-2 इंटू 10^-2 का होल स्क्वायर माइनस 4, क्लियर है, तो इसको जोड़ दो कितना आ गया, 10^-6 डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल दिया मैंने, अल्फा तो कितना आया था, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 10^-2 आई थी। तो दिस इज दी वे हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन क्लियर है, कोलराज लॉ की दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर। अब अगला एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी भी साथ के साथ होती जा रही है, चिंता मत करो, और सब आप खुद कर सकते हो, अगर अच्छे से वीडियो देख लोगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व करिए, ठीक है। और मैं ये बिल्कुल कहूंगा एक ऐसा प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, थ्योरी अच्छे से समझ में आ रही है, पॉज करो वीडियो, खुद सॉल्व करो क्वेश्चन, फिर वीडियो देखो कि हाँ भाई मेरा आंसर सही है या नहीं, पर वीडियो मतलब सॉल्यूशन जरूर देखना, क्या पता कि कुछ चीजें आपको नई से समझ में आ जाए, ठीक है। दी कंडक्टिविटी ऑफ इतने मोलर मोल्स पर लीटर, तो मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी आपको कितनी गिवन है, या कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना गिवन है, 0.001 मोल्स पर लीटर, ठीक है। एसिटिक एसिड दे रखा है, ओके। कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4.95 इंटू 10^-5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है सर। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, लैम्डा एम नॉट कितना गिवन है एसिटिक एसिड का, आपको 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है सर, ओके। अब इस जगह देखो, बहुत ध्यान से देखना, इस जगह लैम्डा अल्फा पूछा है ना, नहीं के ए पूछा है, तो के ए की वैल्यू के लिए मुझे अल्फा भी निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस है सर। तो अल्फा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, अल्फा क्या थी, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा, तो याद रखना ए बी सी डी में पहले सी आता है ना, तो सी ऊपर फिर ओ नीचे, ये याद रखना। अरे ए बी सी डी में सी ऊपर, सी पहले आता है तो सी ऊपर आएगा, ठीक है। अब लैम्डा एम सी की वैल्यू निकालनी है, एम नॉट तो गिवन है। अब देखो लैम्डा एम नॉट अगर मैं पूछूं आपसे, लैम्डा एम सी कितना आएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितनी गिवन है, यही तो गिवन है, चेक करो, हाँ सर यही गिवन है, इससे कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, कप्पा की वैल्यू आपको गिवन है ही है, तो लैम्डा एम सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा चेक करना, अरे आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल निकालो, 4.95 इंटू 10^-5 इंटू ये क्या है 10^3 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है 0.001028, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए
क्या आ जाएगा, लैम्डा एम सी आ जाएगा। एक रफ आइडिया देता हूँ, इसको मान लो 10^-3 मान लो, इसको ये हो गया प्लस थ्री, प्लस थ्री हो गया तो ये आ जाएगा 10 इस तरीके, तो ये आ जाएगा 49.5 के अप्रोक्स, ये आ जाएगा मेरा लैम्डा एम सी आ गया 49.5 के अप्रोक्स। यहाँ रख दो वैल्यू, रख दी। अरे निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं किया। अरे फिर कर देता हूँ, देखो घबराना मत यार बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन में देखो, ये गिवन है 4.95 × 10^-5, ये है 10^3 और अपॉन दे रखा है 0.001, तो उसको 10^-3 ले लूँ। अरे 1, 2, 3 तो 10^-3 ले लो, ये माइनस थ्री ऊपर जाएगा तो प्लस थ्री होगा या नहीं होगा, हटा दो इसको, प्लस सिक्स होगा या नहीं होगा, हटा दो इसको, 10^6 और ये माइनस फाइव तो सिर्फ 10 बचेगा या नहीं बचेगा, हाँ सर, तो इंटू 10 तो क्या आ जाएगा 49.5। ऐसे भी कर सकते हो अगर आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहे हो तो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। जो बच्चा पूछना चाहता है क्या ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 49.5 आ जाएगा इसको। अब यहाँ करके करेंगे 49.5 रख दो, और यहाँ लैम्डा एम नॉट की वैल्यू 390.5 दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे देखना, अगले पेज पे कर दें, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 49.5 अपॉन 390.5, तो सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा 0.12, ये अल्फा आ गया, अल्फा आ गया। तो के ए की वैल्यू क्या होगी सर, अल्फा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, सी पता है अल्फा पता है, निकाल लो, खत्म, क्वेश्चन समाप्त। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है। अरे कॉन्सेंट्रेशन सी 0.001028 × 0.12 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 अपॉन 1 - 0.12 को 0.88 लिख लो, 0.88, ठीक है, तो इससे मेरा के आ जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ गया, अल्फा भी आ गया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, तो मेजर ऑफ द पोर्शन 90% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीट। बस एक बैटरीज के बारे में बताऊंगा, और वो भी जरूर बताऊंगा, एक क्लास है नेक्स्ट क्लास, उसमें बैटरीज और फ्यूल सेल और कोरोजन ये एक साथ आपको बताऊंगा, बट ये जो मेजर पोर्शन है 90-95% अपना कंप्लीट हो गया है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सीबीएसई क्लस्टर ऑल्सो, ठीक है, सीबीएसई क्लस्टर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्या हो गया इंटरनेट चले गया क्या, चलो कोई ना, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सीबीएसई क्लस्टर एंड डू सब्सक्राइब एसएसपी प्लेटफॉर्म ऑल्सो, ठीक है, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर और प्रॉपर पढ़ाई करो, ठीक है।